सपा नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। अब अगर फसाहत खान शानू रामपुर में नजर आते हैं तो पुलिस को उनको गिरफ्तार करना होगा। फसाहत खान शानू पर यतीम खाना और डूंगरपुर मामले में कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर SDM राम भरत तिवारी ने उन्हें जिला बदर घोषित किया। DM ने फसाहत खान शानू को जिला बदर किए जाने की पुष्टि की है। फसाहत को जिला बदर करने को लेकर कई दिनों से कार्रवाई चल रही थी। रामपुर जिलाधिकारी के मुताबिक फसाहत खान शानू को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इस अवधि में अगर वो जिले की सीमा में दिखाई पड़ते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। 24 जून 2020 को फसाहत खान शानू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त पुलिस ने उसके कब्जे से लूट का सामान और 2 भैंसें बरामद की थी। उस वक्त फसाहत पर कुल 24 मुकदमे दर्ज थे। 30 नवंबर 2019 को भी सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू को प्रशासन ने जिला बदर घोषित कर दिया। कुछ हफ्ते पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देने के चलते फसाहत खान शानू सुर्खियों में आए थे। तब उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। फसाहत खान शानू ने कहा था, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान की जेल से बाहर ना आने से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम कहाँ जाएंगे और किसको अपना गम बताएंगे? हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने खून बहाया। हमारे नेता यानी आजम खान ने अपनी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया। वोट भी अब्दुल देगा, जेल भी अब्दुल जाएगा, अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, अब्दुल के घर की कुर्की हो जाएगी। क्या सारा ठेका मुसलमान ने ले रखा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। हमने आपको यानी अखिलेश यादव को और आपके पिता यानी मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। आपकी बिरादरी ने आपको वोट भी नहीं दिया। आपने BJP से मेरी दुश्मनी करा दी। सजा हमको मिल रही है, आप मजे ले रहे हैं। आप हमारे नेता यानी आजम खान से एक बार ही जेल में मिलने पहुंचे, दूसरी बार आपने मिलने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए जो CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए? BJP से हमारी क्या शिकायत है? जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करते रहे हैं वैसा व्यवहार हम उनके साथ करते हैं। फसाहत खान शानू ने ये भी कहा था कि हमारे कपड़ों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदबू आती है, स्टेज पर हमारा नाम तक नहीं लेते। अब सारा जिम्मा अब्दुल ने ले लिया है। दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल ही जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।